आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हम बार मैग्नेट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार मैग्नेट लीजिए और उसे किसी सॉलिड ग्राउंड पे रख दीजिए। उसके बाद एक वाइट पेपर शीट लीजिए जो थोड़ी हार्ड हो और उसे उस बार मैग्नेट के ऊपर रख दीजिए। अब हमें चाहिए आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन ग्राइंड किए हुए फाइन पार्टिकल्स। आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, राइट? तो देखते हैं इन आयरन फाइलिंग्स को जब हम व्हाइट शीट पर डालेंगे जिसके नीचे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये कैसे बिहेव करती है। ठीक है, आप चाहें तो आयरन फाइलिंग्स को डालने के लिए सॉल्ट स्प्रिंकलर का यूज भी कर सकते हैं। मैंने अपने हाथ का ही यूज किया है ताकि फाइलिंग्स इवनली स्प्रेड हो सके। अब आयरन फिलिंग्स को व्हाइट बोर्ड पर डाल दिया गया है। अब आप बोर्ड को धीरे धीरे टैप कीजिए। इससे आयरन फाइलिंग्स एक सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप लेते हुए दिखाई देंगी। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपने देखा आयरन फाइलिंग्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन हो रही हैं? अब क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न क्यों बनता है? ये पैटर्न इसलिए बनता है क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में एक इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है और इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब आयरन फाइलिंग्स इस फील्ड में आती हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती हैं और ये फोर्स फाइलिंग्स को इस पैटर्न में अरेंज कर देता है। ये पैटर्न जो फाइलिंग्स से बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि कैसे एक बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती हैं। अब चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट। हियर द एरिया अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर आयरन फिलिंग्स अलाइन इन अ पैटर्न इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वो रीजन जो एक मैग्नेटिक मटेरियल या एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ मैग्नेटिज्म का फोर्स एग्जर्ट करता है, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस एक्टिविटी से हमने बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स का यूज करके इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बनाया और इसकी प्रेजेंस को नोटिस किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और एक्टिविटी का।